खबर अमृतसर तो आ रही है जिथे के श्रोमणी कमेटी अते सिख जथेबंदियां विचाले होई झड़प दा मामला एक बार फिर तो तुल फड़दा नजर आ रहा है। जिथे देर शाम एक बार फिर उस मौके माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों सिख नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते गुस्सा फुटिया, जिस दौरान सिख नौजवानों ने जम के गड्डियां दी भनतोड़ की। दसिया जा रहा है कि SGPC की टास्क फोर्स वालों कुछ सिख जथेबंदियों के कारकुनों नूं बंदी बनाया गया सी, जिस तों बाद उन्हां नूं रिहा करन तों बाद जदों हस्पताल लिजाया जा रहा सी तां रस्ते दे विच इन्हां नाल मौजूद नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां नाल टाकरा हो जांदा है अते इन्हां सिख नौजवानों का गुस्सा श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते फुट पैंदा है अते सिख नौजवान गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर देंदे ने। दस्या जा रहा है कि जिस मौके सिख नौजवानों ने गड्डियां दी भनतोड़ की थी, उस मौके श्रोमणी कमेटी के मुलाजम भी गड्डियां विच मौजूद सन। एक बार फिर दस दिए कि अमृतसर विच एक बार फिर माहौल उस मौके तनावपूर्ण हो गया जदों श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते सिख नौजवानों का गुस्सा फुटिया अते इस दौरान सिख नौजवानों ने गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर दी। दस दिए कि अज सवेरे 328 पावन सरूपां दे मामले नूं लैके धरना दे रहियां सिख जथेबंदियां अते SGPC दी टास्क फोर्स विचकार जम के खूनी जंग हुई सी, जिस तों बाद कुछ सिख जथेबंदियां दे कारकुनां नूं बंदी भी बनाया गया। खबर अमृतसर तो आ रही है जिथे के श्रोमणी कमेटी अते सिख जथेबंदियां विचाले होई झड़प दा मामला एक बार फिर तो तुल फड़दा नजर आ रहा है। जिथे देर शाम एक बार फिर उस मौके माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों सिख नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते गुस्सा फुटिया, जिस दौरान सिख नौजवानों ने जम के गड्डियां दी भनतोड़ की। दसिया जा रहा है कि SGPC दी टास्क फोर्स वालों कुछ सिख जथेबंदियों के कारकुनों नूं बंदी बनाया गया सी, जिस तों बाद उन्हां नूं रिहा करन तों बाद जदों हस्पताल लिजाया जा रहा सी तां रस्ते दे विच इन्हां नाल मौजूद नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां नाल टाकरा हो जांदा है अते इन्हां सिख नौजवानों का गुस्सा श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते फुट पैंदा है अते सिख नौजवान गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर देंदे ने। दस्या जा रहा है कि जिस मौके सिख नौजवानों ने गड्डियां दी भनतोड़ की थी, उस मौके श्रोमणी कमेटी के मुलाजम भी गड्डियां विच मौजूद सन। एक बार फिर दस दिए कि अमृतसर विच एक बार फिर माहौल उस मौके तनावपूर्ण हो गया जदों श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते सिख नौजवानों का गुस्सा फुटिया अते इस दौरान सिख नौजवानों ने गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर दी। दस दिए कि अज सवेरे 328 पावन सरूपां दे मामले नूं लैके धरना दे रहियां सिख जथेबंदियां अते SGPC दी टास्क फोर्स विचकार जम के खूनी जंग हुई सी, जिस तों बाद कुछ सिख जथेबंदियां दे कारकुनां नूं बंदी भी बनाया गया। खबर अमृतसर तो आ रही है जिथे के श्रोमणी कमेटी अते सिख जथेबंदियां विचाले होई झड़प दा मामला एक बार फिर तो तुल फड़दा नजर आ रहा है। जिथे देर शाम एक बार फिर उस मौके माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों सिख नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते गुस्सा फुटिया, जिस दौरान सिख नौजवानों ने जम के गड्डियां दी भनतोड़ की। दसिया जा रहा है कि SGPC दी टास्क फोर्स वालों कुछ सिख जथेबंदियों के कारकुनों नूं बंदी बनाया गया सी, जिस तों बाद उन्हां नूं रिहा करन तों बाद जदों हस्पताल लिजाया जा रहा सी तां रस्ते दे विच इन्हां नाल मौजूद नौजवानों का श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां नाल टाकरा हो जांदा है अते इन्हां सिख नौजवानों का गुस्सा श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते फुट पैंदा है अते सिख नौजवान गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर देंदे ने। दस्या जा रहा है कि जिस मौके सिख नौजवानों ने गड्डियां दी भनतोड़ की थी, उस मौके श्रोमणी कमेटी के मुलाजम भी गड्डियां विच मौजूद सन। एक बार फिर दस दिए कि अमृतसर विच एक बार फिर माहौल उस मौके तनावपूर्ण हो गया जदों श्रोमणी कमेटी दीआं गड्डियां उत्ते सिख नौजवानों का गुस्सा फुटिया अते इस दौरान सिख नौजवानों ने गड्डियां दी बुरी तरह भनतोड़ कर दी। दस दिए कि अज सवेरे 328 पावन सरूपां दे मामले नूं लैके धरना दे रहियां सिख जथेबंदियां अते SGPC दी टास्क फोर्स विचकार जम के खूनी जंग हुई सी, जिस तों बाद कुछ सिख जथेबंदियां दे कारकुनां नूं बंदी भी बनाया गया।